जाने से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। कौल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? कौल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? कौल वानर, हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? इस वानर ने राजवाटिका को ध्वंस करके राजकुमार अक्ष और महाबली जांबूमाली का वध किया है। इसका वध न्याय उचित है। राक्षसगण, इसी समय इसकी पूछ चढ़ा दी जाए। लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उन पर कुछ नहीं कहा, बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक मिला। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। शर्ट, हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था। तुमने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। रावण, जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई है, देव दानव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग असुर, यहाँ तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। महाराज रावण, उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। अतः विनाश का मार्ग छोड़ श्री राम की शरण में चले। भगवान श्री राम इस समय नर रूप और सुग्रीव वानर। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूँ, मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हनुमान। अतः विनाश का मार्ग छोड़ श्री राम की शरण में चले जाओ। पहचानो, उस सारे जगत के स्वामी समस्त देवता ब्रह्मा स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं।